महंगे से महंगे फेशियल करना आप छोड़ दोगे, बिल्कुल ही भूल जाओगे, क्योंकि आज जो ये फेस पैक लेकर आई हो, मतलब ये फेस पैक नहीं, आप पूरे बॉडी में लगा सकते हो। मतलब अगर बोला जाए तो ये एक बॉडी पॉलिशिंग भी कह सकते हो, क्योंकि ये आप स्किन के साथ मतलब फेस के साथ पूरे बॉडी में लगा सकते हो। ब्राइडल उपटन भी कह सकते हो, क्योंकि इससे आपकी स्किन को इतनी ग्लो और निखार मिलेगी, मैं क्या बताऊँगी, एंड में तो आप देखोगे ही रिजल्ट। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस साइड इज एलिन कॉर्नर। आशा करती हूँ सब लोग सही सलामत हो। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा यहाँ पे चंदन हाफ स्पून, और यहाँ पे मैंने लिया है बेसन हाफ स्पून, सब कुछ हाफ ऑफ लेना है, और यहाँ पे लेना है हाफ स्पून आटा, और थोड़ा सा चुटकी भर के आपको हल्दी लेनी है, हाफ स्पून लेना है हनी। इन तीनों को मिक्स, सॉरी इन तीनों नहीं, इन सबको मिक्स करना है, और साथ में आपको लेना है यहाँ पे दूध, कोई भी दूध, चाहे आपका उबला हुआ दूध हो या कच्चा दूध हो, कोई भी ले सकते हो, और जितना आपको इस फेस पैक बनाने के लिए जितना चाहिए होगा उतना ही दूध यहाँ पे ऐड करना। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि कोई भी इसके अंदर लम्स ना रहे, जो बॉल बॉल्स रह जाते वो सब ना रहे, बिल्कुल स्मूथ सा एक फेस पैक बनकर रेडी हो जाए। और आप लोगों को तो पता ही है जो भी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे यूज़ किए हैं, लाइक बेसन और चंदन पाउडर और ये आटा, हनी, हल्दी, ये सब कुछ स्किन के लिए इतना बेनिफिशियल है, आपकी स्किन को ये इतना यंग एंड यथफुल बनाएगी, आप खुद ही हैरान हो जाओगे जब आप लगाओगे। और हाँ, इसको आपने लगाकर 15 मिनट रखना है। 15 मिनट के बाद आपको अच्छे से रब करते हुए, मसाज करते हुए इस फेस पैक को रिमूव करना है। और वैसे भी अभी फेस्टिव सीजन तो आ ही चुका है, मतलब शुरू हो गया है, नवरात्रियाँ तो शुरू हो गया है, और लेडीज़ के सबसे फेवरेट जो है वो है करवा चौथ, है ना, करवा चौथ आ गया। और अभी से सोच कर बैठे हो कि मैं ये वाली फेशियल करूँगी, वो करूँगी, कोई ज़रूरत नहीं है 1000-2000 जाकर पार्लर पर देने की, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि अभी से, आज से, इसी वक्त से ये फेस पैक लगाना शुरू करो, पूरे चेहरे पर, पूरे आपके पूरे शरीर में लगा लो, यही आपकी स्किन पर जो 1000-2000 वाली जो आप सोच रहे हो ना फेशियल करोगे, उसी का उसका कुछ ज़रूरत ही नहीं, ये लगा लो, आपकी स्किन वैसे इतनी मतलब चमकेगी, स्किन को ये अंदर से आपके जितने भी गंदगी उसको बाहर निकालेगी, डार्क स्पॉट को दूर करेगी, आपकी स्किन को फेयर बनाएंगे, साथ ही साथ आपकी स्किन ग्लोई होगी, और आपकी स्किन ना नेचुरली मतलब हाइड्रेट रहेगी। तो आपको ऐसे ही आपकी स्किन देखोगे, आप खुद ही अच्छा लग जाएगा, और हर कोई आपको यही पूछेंगे कि आपने कौन सा फेशियल करा है, और आप जब खुद ही खुद कहोगे खुशी खुशी कि मैंने कोई फेशियल करा ही नहीं है, ये फेस पैक लगाए, तो सब कोई हैरान हो जाएंगे। अब एक बार पहले लगा कर देखो, लगाने के बाद अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो मत लगाना, लेकिन एक बार लगा कर जरूर से ट्राई करना, ये बहुत अच्छा रेमेडी। हालांकि मैं जितने भी रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, हर सब कुछ अच्छे हैं, उनमें से आप कोई भी एक उठा कर लगा सकते हो, इंस्टेंट आपको अगर कोई रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट वाली बहुत सी फेस पैक मैंने शेयर किया हुआ है, उसके साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यही यूज़ करके देखो, आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलेगी। मैं कह नहीं सकती हूँ कि जब मैंने खुद लगाई ना, मैं खुद लगाई, उसके बाद जब मैंने अपना फेस वॉश करा, अभी देखो मेरी फेस कितना अच्छा ग्लोई, निखार, बेदाग, फेयर लग रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा गोरी हो, चिट्टी हो जाओगी, बट हाँ 1-2 शेड लाइटर तो होगा ही, अगर आप इसको रूटीन पर हमेशा रहोगे मतलब रखोगे, तो आपकी स्किन सही में फेयर होना शुरू हो जाएगी। अभी आप देखो मेरे फेस कितना अच्छा लग रहा है। छोटी सी एक रिक्वेस्ट कर लूँ आप लोगों को, अगर पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी अच्छे अच्छे टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बहुत सी होम रेमेडीज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जो नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जो ओल्ड मुझे देखते हो, आप लोग के कमेंट मुझे बहुत हेल्प करेगी, तो अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना जरूर से करें, मत भूलना शेयर करना। सॉरी आज मैं उल्टा पुल्टा बोल रही हूँ, हमेशा यही होता है। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक जरूर से करना, बाय बाय।